और तो भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। 39 लाख से भी ज्यादा की रकम की धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गलत वंशावली पेश कर 1 एकड़ 18 डिसमिल जमीन का मुआवजा और मांझी सीओ के द्वारा दर्ज प्राथमिकी की जांच में ये खुलासा हुआ है। पुलिस को शक है, मामले में अंचल कर्मियों की भी मिली भगत है। शनिचरवा उरांव के असली वंशजों ने की थी शिकायत और मामले का मास्टरमाइंड सुनील को पुलिस तलाश रही है। तो बताया आपको कि शनिचरवा उरांव के असली वंशजों ने ये शिकायत की है। मामले का मास्टरमाइंड सुनील है जिसे पुलिस तलाश रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर यह धोखाधड़ी हुई है। ज्यादा जानकारी ले इमरान हमारे साथ है। इमरान, भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर धोखाधड़ी, 39 लाख से भी ज्यादा की रकम की धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो सड़क निर्माण से जुड़े केंद्र सरकार की बड़ी प्रोजेक्ट है और इसके तहत भारत भर में जिन मार्गों से ये भारतमाला प्रोजेक्ट गुजर रहा है वहां पर सड़क निर्माण के दौरान जो है कई सड़कों को अधिग्रहण किया जा रहा था। तो इसी अधिग्रहण करने के दौरान जो है जो शिकायतें दर्ज कराई थी उसमें बताया गया था कि कुछ जो है शनिचरवा उरांव के बेटे के रूप में महावीर उरांव सामने आता है और वो इस जमीन के दस्तावेज को पेश करते हुए गलत वंशावली बनाते हुए जो है वो 39 लाख रुपए से अधिक पैसे जो है जमीन के मुआवजे के रूप में वो ले लेता है। इस पूरे मामले में खुलासा तब होता है जब शनिचरवा उरांव के दूसरे जो लोग हैं, जो परिचित हैं, उनके रिलेटिव हैं, उसने जाकर के और मांझी सीओ को ये जानकारी दी कि शनिचरवा उरांव का कोई बेटा वास्तव में है ही नहीं, उसका कोई वंशज ही नहीं है, मौजूदा समय में वो जीवित भी नहीं है। तो ऐसे में ये जो 39 लाख रुपए की अवैध निकासी जो महावीर के नाम से हुई है वह गलत है, फर्जीवाड़ा है। जिसके बाद मांझी सीओ ने इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई करते हुए सिकंदरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। 2 वैसे व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जो कि गार्ड का काम करते हैं और उन्होंने ही महावीर उरांव को सामने लाया था, शनिचरवा उरांव का बेटा बना करके। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जब इसे पूछताछ की, तीनों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जब महावीर उरांव के अकाउंट पे 39 लाख रुपए पैसे आए हैं, इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो सुनील नामक जो व्यक्ति है वो अपने अकाउंट में कर लेता है। और कहीं ना कहीं सुनील ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है जिन्होंने दोनों जो गार्ड है उसको जिम्मेवारी दी थी कि कोई उरांव व्यक्ति या उरांव फैमिली को सामने ला करके खड़ा किया जाए और शनिचरवा उरांव का जो कि वंशज नहीं था, इस बात की जानकारी उन लोगों को अच्छी तरीके से थी। इस वजह से महावीर उरांव को फर्जी वंशज बनाते हुए फर्जी वंशावली तैयार किया गया और 39 लाख रुपए जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत उसके जमीन के मुआवजे के रूप में उसके अकाउंट पे आए। सुनील ने अलग अलग माध्यम से, चेक से, कैश और अलग माध्यम से 39 लाख रुपए के जो पैसे हैं उनके अकाउंट से निकालते हुए अपने अकाउंट के कुछ पैसे को ट्रांसफर किया और सुनील जो है आज के तारीख में लापता है। ये मामले का खुलासा तब और भी तरीके से पुख्ता हो जाता है जब शनिचरवा उरांव के जो अन्य रिश्तेदार हैं उसे भी मुआवजे के कुछ पैसे जो है मिलने थे, लेकिन उसे आधे जब पैसे पहुंचे तब उन्होंने जाकर के और मांझी सीओ से इस पूरे मामले की शिकायत की कि जो शनिचरवा उरांव का पैसा और उनका जो आधा पैसा है दोनों मिला करके उसे मिलने थी, लेकिन आधे पैसे उसे मिले, लेकिन मांझी सीओ कार्यालय से जानकारी दी गई कि शनिचरवा उरांव के जो बेटा है महावीर उरांव उनको आधा पैसा मिला और फिर जाकर के शनिचरवा उरांव के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने पूरी जानकारी दी कि शनिचरवा उरांव का कोई बेटा वास्तव रूप में है नहीं, जो वंशावली पेश की गई है वह फर्जी है और गलत है और गलत तरीके से निकासी की गई है, तब जाकर के इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है। तो फिलहाल पूरे मामले की जांच जो है अब सिकंदरी थाने की पुलिस कर रही है और जो मास्टरमाइंड है सुनील उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। प्रयास ये भी किए जा रहे हैं सुनील की गिरफ्तारी के बाद जो है अंचल कार्यालय के जो कर्मी हैं उनकी मिली भगत से ये पूरे मामले का फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आसानी से ये जानकारी नहीं हो पाती कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो शनिचरवा उरांव की जमीन है उसके तहत उनको अधिग्रहण करनी है और उसके लिए पैसे जो है वो भुगतान किए जाने हैं। ऐसे में गलत वंशावली बना करके शनिचरवा उरांव का बेटा सामने खड़ा होकर के और जिस तरह से सुनील ने इस पूरे मामले को किया
किया है, दो लोगों को हायर किया महावीर को लाने के लिए, महावीर अपने अकाउंट का इस्तेमाल करता है पैसे मंगाने के लिए, या जब पैसे आता है तो महावीर के अकाउंट से सीधे सारे पैसे जो है वो सुनील के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। तो फिलहाल अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि सुनील की गिरफ्तारी की जा सके, क्योंकि 40 लाख रुपए के धोखाधड़ी का यह पूरा मामला है। फर्जी वंशावली तैयार कर चरित्र राव के वंशज बनते हुए जमीन के नाम में जो भारतमाला प्रोजेक्ट के पैसे आए थे वो अवैध निकासी की गई है, और पैसे को लेकर के सुनील जो है वो रफू चक्कर हो गया है। तो फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अंचल कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों की जो मिली भगत है उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। सुनील की गिरफ्तारी के बाद अंचल कर्मियों पर भी गाज। तो चलिए, तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।